आज पूरे देश में सरदार साहब की जन्म जयंती को स्मरण करते हुए उस महापुरुष ने देश की आजादी के लिए जिस प्रकार से अपना जीवन खपा दिया, उस महापुरुष ने देश के आजादी के बाद की संकट की घड़ियों से, बिखराव के वातावरण से, आंतरिक संघर्ष की चरम सीमा के बीच अपने कौशल्य के द्वारा, अपनी दृढ़ शक्ति के द्वारा, अपनी सर्वोत्कृष्ट भारत भक्ति के द्वारा उन्होंने देश को न सिर्फ आजादी के समय पैदा हुए संकटों से बचाया, लेकिन उन्होंने सैकड़ों राजे रजवाड़े जो अंग्रेजों की इरादा था कि अंग्रेज जाने के बाद ये देश बिखर जाए, छोटी छोटी रियासतों में बंट जाए, भारत का नामो निशान न रहे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का संकल्प बल था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की दीर्घ दृष्टि थी कि उन्होंने शाम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीति कूटनीति रणनीति उसका उपयोग करते हुए बहुत ही कम समय में देश को एकता के सूत्र में बांध दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल शायद हमारे देश की नई पीढ़ी को उनसे परिचित ही नहीं करवाया गया। एक प्रकार से इतिहास के जरोखे से इस महापुरुष के नाम को या तो मिटा देने का प्रयास हुआ या तो उसको छोटा करने का प्रयास हुआ, लेकिन इतिहास गवाह है कि सरदार साहब थे। कोई शासन उनको स्वीकृति दे या ना दे, कोई राजनीतिक दल उनके महात्म्य को स्वीकार करे या ना करे, लेकिन यह देश, इस देश की युवा पीढ़ी भी एक पल के लिए भी सरदार साहब को भूलने के लिए तैयार नहीं है, इतिहास से ओझल होने देने के लिए तैयार नहीं है। और इसी का परिणाम है कि जब देश ने हमें सेवा करने का मौका दिया, तब हमने देश के सामने सरदार पटेल की जयंती को एक विशेष रूप से मना करके उस महापुरुष के उस उत्तम कार्यों का पीढ़ी दर पीढ़ी तक स्मरण रहे, और इसीलिए रन फॉर यूनिटी एकता के लिए दौड़ उस अभियान को हम चला रहे हैं। और मुझे खुशी है कि देश की युवा पीढ़ी बढ़ चढ़ करके एकता की इस दौड़ में हिस्सा ले रही है।